हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वैसे मेरा नाम संदीप है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि एक सॉफ्टवेयर जो है 10-12 काम आसानी तरीके से कर सकता है। इसमें मल्टीपल फीचर जैसे कि वीडियो कंप्रेस करना, मतलब आपका फाइल अगर जो वीडियो 4K में है और वो 3 GB का फाइल है तो उसे आप, मतलब 3 GB भी नहीं, उसे आप 10 गुना कम कर सकते हो, 300 MB में आप उसे बना सकते हो। और हाँ, आप दोनों को जब देखोगे ना तो दोनों में क्वालिटी डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों सेम रहेगा। सो ओवरऑल इसमें बहुत सारे फीचर है, DVD बर्नर, इमेज कन्वर्टर और ऑडियो कन्वर्टर, डाउनलोडर, बहुत सारे यूनिक फीचर है। चलिए इसकी सभी फीचर को एक्सप्लोर करते हैं और आप इसको सीख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको लाइफ में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है। सो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे मैंने तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वो 2-3 MB का था, उसके अंदर ये जो है डाउनलोड होता है, फिर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद पहला सेक्शन है वीडियो कन्वर्टर का। वीडियो कन्वर्टर में आपको दो तरीके से इम्पोर्ट कर सकते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर में से इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन सेंटर में आप क्लिक करके वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से भी ओपन हो गया आपका और यहाँ से आप चाहोगे कन्वर्ट करना, सो क्लिक कर दिया आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वीडियो का साइज आप देख सकते हैं, 1.4 GB 4K वीडियो है और इसको जो है कन्वर्ट करने के बाद 174 MB समथिंग में ये हो जाएगा। पहला ऊपर में आपको ये कॉर्नर में सेक्शन मिल जाएगा एडिट का, फिर क्रॉप का। सो आप कुछ कट वगैरह करना चाहते हैं एक्सपोर्ट करने से पहले तो आप कट पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद ड्रैग कर दीजिए इसको। ड्रैग करने के बाद या तो ऊपर में देखिए कट का ऑप्शन है, जहाँ पे कट करना है वहाँ पे क्लिक कर दे, कट कर दो। क्रॉप करना है तो क्रॉप कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा ईजी और अच्छा ये मुझे लगा कि यार जो आप क्रॉप करोगे वहाँ पे देखो ऊपर में, ऊपर वाला जो वीडियो है उसमें आपको ड्रैग करना है जितना आपको अच्छा लगे। फ्रेम को अच्छे से लेना है, वो अपना फ्रेम बाय फ्रेम सिलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। रोटेट भी कर सकते हैं इसके अंदर। अब चलिए मैंने ये सब तो कर लिया, लेकिन अब बात आती है फॉर्मेट की। ये जो मेरा वीडियो फॉर्मेट है वो MP4 है, लेकिन मुझे इसमें अगर कुछ कलर करेक्शन करना होगा तो मैं कलर करेक्शन भी यहीं पर से कर सकता हूं। सो कलर करेक्शन का भी ऑप्शन आ जाता है आपको यहां पे, कलर ग्रेडिंग आप अच्छे अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो ये भी मुझे यूनिक फीचर लगा। तो अब मैं बात कर रहा था वीडियो फॉर्मेट की। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता होगा, आप अगर आईफोन में जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो MOV रिकॉर्ड होगा, रॉ फॉर्मेट में जो आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे वो दूसरे टाइप का रहता है। तो ऐसे में अगर आप MKV to MP4, MOV to MP4 या तो MOV to AVI जो भी फाइल करना चाहते हो, बस सेटिंग पे क्लिक करिए और देखिए रिसेंटली, फिर उसके बाद वीडियो, वीडियो में कोड MP4, AVI, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, HEVC, MOV। तो आप अगर MP4 से MOV करोगे तो वो भी कर लोगे। ऑडियो क्वालिटी स्पेशली यहाँ पे रख सकते हो, 320 kbps वाला हाई क्वालिटी, नॉर्मल सभी यहाँ पे रख सकते हो, AAC, M4A सभी आपको मिल जाता है। थर्ड ऑप्शन है डिवाइस। जी हाँ, डिवाइस का ऑप्शन इसलिए है कि जैसे आपने बड़े कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किया तो वहाँ पर आपको स्पेशली मिल जाता है एंड्रॉयड डिवाइस के लिए, आप एप्पल के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, सैमसंग के लिए, हुवावे के लिए, या फिर गूगल के लिए, नेक्सस के लिए, सभी के लिए सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन डाल दिया, एंड्रॉयड, ये देखिए एंड्रॉयड में 1080 का मैंने रेजोल्यूशन डाल दिया। आप 4K चाहो तो 4K भी कर सकते हो। कन्वर्टिंग पे मैंने क्लिक कर दिया और ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया, वैसे ये कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगा था, 5 से 7 मिनट का, लेकिन आप जो वीडियो, ये मैंने वीडियो आपको फास्ट करके शो कर दिया। ये देख सकते हैं कितना कंप्रेस हो गया, 1.5 GB से डायरेक्ट कुछ MB में हो गया कन्वर्ट, क्वालिटी भी हमें वही मिला, दैट्स ग्रेट थिंग। और यहाँ पर देखिए दो सेक्शन मिल जाता है, फिनिश होने के बाद फिनिश्ड का सेक्शन और ये आपका हो गया। अगर आप इसे चाहेंगे मल्टीपल वीडियो कन्वर्ट करना तो आप मल्टीपल वीडियो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो देखिए मैंने आपको प्ले करके दिखाया, इस तरह से कुछ था। अब चलिए मैं यहाँ पे मल्टीपल वीडियो कन्वर्ट करके मैं दिखाना चाहूँगा। इस तरह से आपने डाला, रेजुलेशन सेलेक्ट कर दिया, फिर स्टार्ट पे क्लिक कर दो, बस हो गया सेम उसी तरीके से।
तो देखा आपने यहाँ पे मल्टीपल वीडियो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर्स है और यूनिक फीचर है। बूस्ट मोड भी आपको मिल जाता है, हाई स्पीड कन्वर्टर ऊपर में देख सकते हैं। उसके बाद ये चलते हैं सेकंड मेथड की ओर, जो कि है ऑडियो कन्वर्टर। ऑडियो कन्वर्टर में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का ऑडियो होता है, तो वहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये तीसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है डाउनलोडर का। यहाँ पे कोई आप लिंक डालो, फेसबुक का कोई वीडियो है तो उसका लिंक डालो और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दो, आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। फिर अगला हमें ऑप्शन मिलता है वीडियो कंप्रेशर। वीडियो सिलेक्ट करो, यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट करने के बाद अब फिर वीडियो को रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर दो, आपको कितना क्वालिटी का चाहिए। आप 1 GB के वीडियो को 20-25 MB में, 100 MB में ऐसे बदल सकते हो और क्वालिटी जो है कंप्रेस हो जाएगा। हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वीडियो एडिटर का, जिसका कि मैंने चर्चा शुरू में भी किया था। ट्रिम कर सकते हैं वीडियो को, वैसे ट्रिम करने के लिए यहाँ पे आपको जहाँ पे रखना है पॉइंट करें, उसके बाद कट पे क्लिक कर दें सीजर पे, फिर ये कट हो जाएगा। फिर पार्ट बाय पार्ट को कट करें, अब जितना चाहो कट करना उसे कट कर सकते हैं, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। तो सेम यही चीज़ आ जाती है आपको मर्ज करने का ऑप्शन, अगले ऑप्शन पे। मर्ज में आप कर सकते हो कि आपके पास दो वीडियो है, दो वीडियो को एक पार्ट में अगर जोड़ना है सो आप उस पर क्लिक करके जोड़ सकते हो। हमें यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डर का। स्क्रीन रिकॉर्डर पे क्लिक करके ये देखिए, जितना आप चाहोगे ड्रैग करना, जितना स्क्रीन को रिकॉर्ड करना वो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करना तो बीच में बस ड्रैग करके इधर उधर कर दो, फिर उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दो। आपको कुछ शॉर्टकट भी मिल जाता है बटन, उससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो। ये देखिए अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वो वीडियो जो मैंने इस स्क्रीन रिकॉर्डर के फीचर से मैंने रिकॉर्ड किया। वाओ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया और बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है देखने में। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एक DVD बर्नर का। DVD बर्नर में आपके लैपटॉप या PC में CD वगैरह लगता है, तो आप बर्न कर सकते हो या फिर उसमें कुछ वीडियो वगैरह बर्न कर सकते हो, रख सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, सेव करके रख सकते हैं। हमें लास्ट ऑप्शन मिलता है टूल बॉक्स का। टूल बॉक्स में इमेज कन्वर्टर आपको मिल जाता है, GIF मेकर, GIF मेकर आपको मिल जाता है, एनिमेशन टाइप का जो रहता है ना वीडियो, वो टाइप का मतलब एनिमेशन बना सकते हैं। अब फिक्स मीडिया, मेटा डाटा, ये सब मिल जाता है, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फाइल, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस यूनिक कन्वर्टर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर कर दें सबके साथ।